सभी माताओं भाई बहनों को मेरा प्यार भरा राम राम यानी कि सरिता का। कैसे हो आप लोग? आशा है आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जितने साथी हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना है सारे साथी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। तो दोस्तों, वहीं से वीडियो स्टार्ट हुआ है जहां से पिछला वीडियो हमने एंड किया था। आप लोगों ने देखा था कि किचन की हमने लिपाई पुताई किया था, उसके बाद जो है बाहर की दीवार की भी हमने पुताई कर ली थी, और पुताई करने के बाद में साफ़ सफाई भी, नीचे की पोछा वगैरह लगा दिया था आंगन में। और ये क्लिप हमने इसलिए ऐड किया है ताकि जो है हम आप लोगों को बता सकें कि वहीं से जो है हमने स्टार्ट किया है। और उसके बाद लग गए थे पानी पूरी यहाँ पर निकालने, गोलगप्पे, तो इनको हमने निकाल लिया है। और आज का वीडियो बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग फुल एंजॉय करिए, बहुत ही आनंदमयी है और आप लोग भरपूर आनंद लीजिएगा। तो गोलगप्पे निकालने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था, उसके बाद में हमने चूल्हा जला दिया था। और यहाँ पर छोटी दीदी लगी हैं पानी पूरी का पानी बनाने में, बड़ी दीदी बर्तन धुल रही हैं और हम जा रहे हैं कुछ और बनाने की तैयारियाँ कर रहे हैं। तो आप लोग जो है इंजॉय करिए। जल्दी ना फाँक दे रही बेटा, क्या करूँ नहीं लागू, जल्दी ना फाँक दे रही करूँ नहीं लागू, सब खत्म हो गया कि है। चलो भैया पानी करवा दे, हो जाइए हम जा रहे हैं। दोपहर में गर्मी है। तो यहाँ पर गोलगप्पे का पानी बनाने के लिए दीदी ने मसाला पीसा था, पुदीना की पत्ती थी, थोड़ी सी धनिया पत्ती थी और नमक, हरी मिर्च, ये चार चीज़ें पीस लिया था, थोड़ी सी काली मिर्च भी डाली थी। और उसके बाद में जो है सारा घोल बना करके तैयार कर लिया था, और उसमें उसके बाद में जो है जलजीरा की पैकेट डाल दिया था, और साथ में नींबू और जीरा भी भुना हुआ था उसको भी मिला लिया था। और पानी की हम जो है कोई वीडियो नहीं शूट कर पाए हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा भाग दौड़ मची हुई थी। वो पानी बन करके तैयार हो चुका है और इधर हम लग गए थे, आज बनने जा रही हैं दाल के दूल्हे, यानी कि कुछ बहनें हमारी दाल ढोकली भी कहती हैं, हमारे यहाँ दाल के फरे, दाल के दूल्हे यही सब बोला जाता है। तो आप लोगों को कई बार हमने शेयर भी किया है, तो वही बन रही है। तो बड़ा भगोना हमने चढ़ाया है और इधर जो है हमने मटर रख दी थी कुकर में, तो मटर भी पकती जा रही है क्योंकि आज जो है गोलगप्पी पार्टी भी होगी और दाल ढोकली भी बनेगी। तो यहाँ पर जो है दाल ढोकली बनाने के लिए, जिसमें बड़ी दीदी ने आटे में थोड़ी सी धनिया पत्ती, थोड़ा सा नमक डलाया था, हम तो नहीं डालते हैं लेकिन हम दीदी ने कहा ऐसे बनाओ तो थोड़ा इसका भी स्वाद देखना, तो बहुत ही टेस्टी बने हुए थे। तो आटा हमारा लग चुका है और फिर यहाँ पर दाल भी यानी कि पकने लगी थी, तो अब इस टाइम जो है फरे बना करके फटाफट से हम लोग डाल देंगे। तो जल्दी इधर जब तक दाल के फरे डाल देंगे तो ये पकते रहेंगे, तब तक हम लोग जो है उधर गोलगप्पे पार्टी हो जाएगी हमारी। तो यहाँ इनको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इनको बाद में खाया जाएगा। और आप लोग जो है बिना स्किप किए फुल इंजॉय करिए, आज का वीडियो बहुत बहुत ही प्यारा है। और इतना अच्छा घर जब भरा होता है तो इतना अच्छा लगता है, और जब सब लोग चले जाएंगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखिए एक बड़ी लोई बना करके, और आज हमारी दीदी का जो है आप लोग डिज़ाइन देखिएगा, इसमें जो है दाल बहुत ज़्यादा भर जाती है और बहुत ही खाने में टेस्टी लगते हैं। हम तो कभी कभी चाकू से काट कर डाल देते हैं, और कभी कभी जो है अकेले बनाते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है, और आज सभी लोग हैं तो हर तरीके के बनाए जाएंगे। तो ये देखिए कितना प्यारा फूल के तरीके से बनाया है दीदी ने, तो इसी तरीके से सारे बना लेंगे। थोड़े ऐसे भी बने थे और इनमें दाल भर जाती है तो जो है बहुत ही खाने में टेस्टी लगते हैं। तो सब लोगों ने मिलकर बनाया था, जल्दी बन गए थे, तो इधर जो है जितने बनते जा रहे थे तो वो हम सब जो है डालते जा रहे थे।
और इधर जो है बड़ा भगोना हमने चढ़ाया और सब लोगों का मन था कि आज जो है दाल के फरे बनेंगे, क्योंकि बच्चे भी बहुत ही चाव से खाते हैं और दीदी लोगों का भी मन था। तो उधर सारे बन चुके थे, हमने डाल दिया था, फिर आ गए हैं इधर, तो अब शुरू हो गई है गोलगप्पे पार्टी। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाइए। थोड़ा बस बस टेस्ट बताइए बाबू कैसा है खा करके। यम्मी यम्मी है बाबू बताइए। अरे वाह, अब खाए गए आगे मन के अंगूठा कैसे उठाए। लाइन तक आओ। चलो हम आरन खिला रहे हैं वहीं। बाबू कैसा है? खुशी के यहाँ देखो, खुशी के देखिए कितना बड़ा मुंह फैला है इसने। वीडियो बताए खुशी मुंह फैलाओ, देखिए कितना बड़ा फैले हो। ए ये देखो, तो इधर जो है बच्चों के साथ फुल मस्ती भी हो रही है और गोलगप्पे पार्टी भी। तो पहले बच्चों को खिला दिया जाएगा, उसके बाद में जो है हम लोग खाएंगे। और इनको खिलाने पिलाने के बाद में हम सभी लोगों ने खा लिया था और फिर आ गए हैं इधर। तो देख लेते हैं, हमारे फरे पक चुके थे तो इनको उतार कर रख देते हैं और तड़का लगा देते हैं, उसके बाद में सब लोगों के लिए लगाते हैं थाली। और आज हमारे यहाँ मौसम काफ़ी ठंडा है, क्योंकि 1 बजे रात से जो है बूंदाबांदी हो रही हैं, सुबह तक हुई हैं, तो मौसम जो है दिन में भी काफ़ी अच्छा था, ठंडा था। तो सब लोगों का मन था कि कुछ खाया जाए, कुछ किसी चीज़ की पार्टी हो, तो सब लोगों का मन था कि आज जो है दाल के फरे और जो है पानी पूरी खाया जाए। तो फिर वही सब ये बना हुआ था। और वैसे तो गर्मियों में खाने का कुछ मन नहीं करता है, लेकिन आज मौसम ठंडा था, अच्छा भी लग रहा था। और हमने दाल के फरे में जो है हल्दी और हरी मिर्च पीस कर, मसाला पीस कर डाल दिया था। यहाँ पर सिर्फ जीरा से ही तड़का लगाया है। तो यहाँ पर देखिए दाल ढोकली हमारी बनकर तैयार है। और ये जो है सेव, इसमें दाल बहुत ही अच्छे से भर गई थी, तो खाने में बहुत ही मस्त लगे हुए थे। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाइए, चूल्हे के जो है टेस्टी हमारे दाल के दूल्हे बनकर तैयार हैं और आसमान की खुली हवा में सब लोग छत पर बैठकर खाने का आनंद ले रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा, और आप लोग भी साथ में आ जाइए। चूल्हे का खाना और आसमान की खुली हवा में, और सब लोग जब एक साथ बैठकर इस तरीके से खाते हैं तो इतना आनंद आता है, अब क्या ही बताएं, बहुत ही अच्छा लगता है। अब इतना अच्छा लग रहा है इस टाइम, और जो है जब सब लोग चले जाएंगे तो बहुत ही ख़राब लगेगा, क्योंकि जो है और साल भर में छुट्टियों में ही आना जाना होता है, जब भरा घर होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके बाद में जो है अकेले ही रहना होता है पूरा दिन, काम काम, ना हंसना ना बोलना, वही है। और जब सब लोग इकट्ठा होते तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस टाइम जो है हमारी पूरी ससुराल की फैमिली फुल है, और यहाँ पर जो है कुछ बच्चे नहीं आ पाए हैं बड़ी दीदी के, तो जो है 2 बच्चे नहीं आ पाए हैं। और यहाँ पर खाना पीना हो चुका था, फिर जो है हमने बर्तन इकट्ठा कर लिए हैं, तो इनको जो है मांझ लेते हैं। जले हुए ज़्यादा नहीं है, बस यही है ज़्यादा बड़ा भगोना इसी को हमने चढ़ाया था, बाकी ज़्यादा जले नहीं है, क्योंकि पहले ही हमने बर्तन धुल लिए थे। तो अब धुल लेते हैं बर्तन। और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में आप लोगों ने फुल इंजॉय किया है, और यदि वीडियो आज की पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी कर दिया करो, और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट करके भी बता दिया करो हमारे वीडियो आप लोगों को कैसे लगते हैं। और इस टाइम जो है कुछ रिप्लाई हमने कल आप लोगों के दिए थे और कुछ नहीं दे पाए हैं, तो हम जवाब बहुत जल्द ही आप लोगों को रिप्लाई देंगे। तो बर्तन हमने इनको धुल लिया है, अब शुरू करते हैं मांजना। तो काफ़ी टाइम लगा था इनको मांजने में, तो आज जो है हमारे घर इस भगोने में जो है कभी भी नहीं बनाया गया। सब लोग दीदी लोग आती भी थी, लेकिन तभी भी ये भगोना नहीं चढ़ा है, लेकिन आज जो है दाल ढोकली की पार्टी में ये बड़ा भगोना चढ़ गया। और ना चाहते हुए भी जो है बारात के प्रोग्राम आज हमारे घर में फुल मस्ती की गई, बहुत ही आनंद आया। और आज पूरा दिन जो है सब लोगों ने बहुत ही इंजॉय किया। तो यहाँ पर दीदी लोग मना कर रही थी कि बर्तन ज़्यादा है पड़े रहने दो, अब तो जो है पेट ज़्यादा भर गए हैं, हम घूमने जा रहे हैं, सुबह संडे है, बर्तन धुला लिए जाएंगे। हमने कहा कि जले नहीं दीदी, हम साफ़ कर लेंगे और आप लोग जो है घूम आइए जा करके।
तो ये लोग जो है दीदी लोग जा रही हैं बाहर घूमने, और हमारे बर्तन भी धुल चुके हैं। ज़्यादा नहीं जले होते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जो है जले हुए ज़्यादा नहीं थे। और ये भगोने को मांजने भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी, क्योंकि मिट्टी हमने मिट्टी का लेप लगा दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो बर्तन सारे मन चुके हैं, और अब जो है बाहर की सारी चीज़ें इधर उधर जो फैली पड़ी हुई हैं, तो उनको मम्मी जो है कुर्सी वगैरह रख दे रही हैं, और फिर चलेंगी। सब लोग छत पर चल रहे हैं, और हमारे बर्तन भी लगभग में धुल ही चुके हैं, तो धुल गए थे हमारे बर्तन। उसके बाद में पानी वगैरह ले लेते हैं हम भी और चलते हैं। तो बड़े डिब्बे में भर लेंगे, क्योंकि जो है रात में कभी कभी प्यास लग जाती है, तो जिसको पीना होता है तो अपना पी लेते हैं, और बार बार जो है नीचे उतरना चढ़ना नहीं होता है, तो बड़े डिब्बे में ही भरेंगे। और इस टाइम जो है कुछ वीडियो शूट कर पाए हैं, कुछ नहीं शूट कर पाए हैं, क्योंकि अकेले ही करना, जब शूट करना होता है तो सब लोग काम करा लेते हैं, तो कुछ लोगों का शूट कर पाते हैं, कुछ लोगों का नहीं किया है। तो यहाँ पर जो है डिब्बे में हमने पानी भी भर लिया है, और चलते हैं छत पर। यहाँ पर जो है बंद कर देते हैं बल्ब वगैरह सब। तो आ गए थे छत पर, तो सब लोग लेटे हैं, अभी दीदी लोग नहीं आई हैं घूम कर, तो छत पर ही इसी तरीके से बिस्तर लगते हैं। और बाबू जो है हमारे कल या परसों गिर गए थे, तो इनके जो है हाथ में बहुत ज़्यादा चोट लग गई है, तो अब जो है ये इधर उधर लड़ जाते हैं, तो ये दुख जाता है, तो ठीक हो जाता है, लेकिन जो है फिर से दुख जाता है। तो यहाँ पर सो चुके हैं, और फिर जो है हमने कोई वीडियो नहीं शूट किया था। ये है दूसरे दिन के शाम की, और उस दिन भी हमने कोई वीडियो नहीं शूट किया था, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाया था। तो यहाँ पर जो है कर लेते हैं पुताई, क्योंकि आप लोगों को पुताई बहुत ही पसंद है, तो हमने कहा चलो पुताई की वीडियो लगा देते हैं, क्योंकि हमारी प्यारी प्यारी बहनें कहती हैं कि दीदी आप चूल्हे की पुताई डेली जो है हर वीडियो में लगाया करो, तो हर वीडियो में जो है ये उसी दिन की थी, तो इसी वजह से ये दूसरे दिन की हमने फिर पुताई की वीडियो यहाँ पर लगा दिया है। तो चूल्हे की पुताई भी हमारी लगभग में होने ही वाली है, और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में आप लोगों ने फुल एंजॉय किया होगा। यदि आज की वीडियो पसंद आई हो, और आप अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी करें। बहुत ही वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, लेकिन फिर भी जो है कभी कभी की वीडियो बहुत ही डाउन जाती हैं, तो मन नहीं करता है। कल की वीडियो इतनी ज़्यादा डाउन गई, जब आप लोगों की फेवरेट बना देते हैं फिर भी जो है बहुत डाउन जाती हैं, तो फिर दिल दुखी होता है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। आप लोग हमेशा खुश रहिए, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों।